नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डबल मार्कर टेस्ट के बारे में। फ्रेंड्स, हर 100 बच्चे जो पैदा लेते हैं उनमें से 3 से 4 बच्चों में कॉन्जेनाइटल अनोमली होती है, जन्मजात त्रुटि होती है, जिसकी वजह से कुछ बच्चों की तो जन्म के बाद ही मृत्यु हो जाती है। जो बच्चे बच जाते हैं उनको पूरी लाइफ टाइम कोई ना कोई डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ता है, विकलांगता का सामना करना पड़ता है, जो उनके लिए भी बर्डन है और पूरी फैमिली, समाज, कंट्री के लिए सोशियो इकोनॉमिक और हेल्थ केयर सिस्टम पे एक बर्डन है। आज के ग्रोइंग सोसाइटी में, प्रोग्रेसिव सोसाइटी में एक विकलांग बच्चे को, डिसेबल बच्चे को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तभी हम बहुत सारे ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, जिससे कि हम बच्चे की जब प्रेगनेंसी होती है तो हम शुरुआती दिनों में ही आइडेंटिफाई कर सके कि बच्चे को कहीं कोई कॉन्जेनाइटल अनोमली होने की चांसेस तो नहीं है, और अगर ज़रूरत पड़े तो समय रहते हम उस बच्चे को अबॉर्ट कर सके, एक डिसेबल बच्चे को दुनिया में आने से रोक सके। फ्रेंड्स, ये स्क्रीनिंग टेस्ट ब्लड टेस्ट भी हो सकती है, अल्ट्रासाउंड भी हो सकती है। आज के वीडियो में हम डबल मार्कर टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक ब्लड टेस्ट है। ये 11 से 14 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बीच में महिलाओं के ब्लड से किया जाता है। यूजुअली यह ब्लड कभी भी लिया जा सकता है, इसके लिए फास्टिंग होना आपको जरूरी नहीं है। 11 से 14 सप्ताह की प्रेगनेंसी में इस ब्लड टेस्ट को किया जाता है। इस ब्लड टेस्ट में 2 हार्मोनल कंपोनेंट्स होते हैं, बीटा एचसीजी एंड पीएपीपीए। अगर महिलाओं के ब्लड में इसकी मात्रा अबनॉर्मल होगी तो जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसे क्रोमोसोमल अनोमली होने के चांसेस हैं, जो कि है डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम एंड पटाउ सिंड्रोम। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जेनेटिक मेकअप की बात करें। सृष्टि में कोई भी जीवित अगर चीज है उसकी आइडेंटिटी उसके जेनेटिक्स मटेरियल जीन पर डिपेंड करती है, जो कि उनकी कोशिकाओं में क्रोमोसोम के फॉर्म में अरेंज होती है। ह्यूमन में, मनुष्य में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि पेयर में बने होते हैं, यानी कि 23 पेयर क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में होती है। अगर इस क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आ जाते हैं, कोई नंबर बढ़ जाता है या घट जाता है, तो या तो ये प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाती है, या जो जन्म में पल जो बच्चा पल रहा होता है यूजुअली एबनॉर्मल हो जाता है, एनोमलस हो जाता है, जिसमें डाउन सिंड्रोम सबसे कॉमन है। डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम 21 की जो ट्राइजोमी है, यानी जो 2 पेयर में क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी कि 1 पेयर 2 क्रोमोसोम 21 नंबर पे होना चाहिए, उसके बदले में 3 क्रोमोसोम आ जाता है। तो ऐसे बच्चे नॉर्मल बच्चों से अलग होते हैं। जन्म के बाद ये बच्चे यूजुअली फिजिकली और मेंटली रिटार्डेड होते हैं। इनकी जो ग्रोथ होती है, इनकी जो माइलस्टोन्स होती है, नॉर्मल बच्चों जैसी नहीं होती है। ये बच्चे देखने में अलग होते हैं, यूजुअली हाइट कम होती है, चेहरा गोल होता है, जो कान होती है वो नीचे की तरफ होती है, जो आँखें होती है वो स्लैंटिंग तिरछी आईज होती है, जो जीभ होती है वो बड़ी होती है, हमेशा बाहर की तरफ निकली हुई होगी, जो गला है शॉर्ट होता है, हाथ में सीनियन क्रीज होती है, ये जो हमारी इतने सारे लाइंस है वैसे ना हो कि बस एक सीनियन क्रीज होती है, शरीर में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कि नॉर्मल बच्चों से अलग है। आप इन बच्चों को देख के ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कोई ना कोई सिंड्रोमिक बच्चा है। साथ साथ में जो ये डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं उन्हें इंटरनल प्रॉब्लम्स भी होती है, उनके दिल में प्रॉब्लम होती है, किडनीज में हो सकती है, आंखों में, कान में सुनने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ये इन बच्चों की लाइफ स्पैन भी छोटी होती है। यानी ये अपने कॉन्टेम्प्ररी, अपने एज मैच बच्चे के जैसे स्मार्ट नहीं होते हैं और बाहर की दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। डबल मार्कर जो टेस्ट है, इसके माध्यम से हम घर में जो पल रहा बच्चा है उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस हैं। फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं कि डबल मार्कर टेस्ट पॉजिटिव आया है इसका मतलब कि अंदर जो पल रहा बच्चा है उसे डाउन सिंड्रोम है। ये बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट है,
अगर स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो हम फिर फर्दर टेस्ट कराते हैं ये चीज कंफर्म करने के लिए कि जो बच्चा है उसे डाउन सिंड्रोम है। तो फ्रेंड्स डबल मार्कर टेस्ट हमने कराया। यूजुअली इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं होती है, इसलिए इसे हम एक अल्ट्रासाउंड एनटीएनबी स्कैन होता है उसके साथ एसोसिएट करते हैं। ये जो अल्ट्रासाउंड एनटीएनबी स्कैन है वो एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हम बच्चे की जो गर्दन होती है उसके पीछे कि त्वचा के नीचे कितने एमएम का पानी है उसे मेजर करते हैं। यूजुअली ये 2 से 3 एमएम से कम होना चाहिए। अगर ये पानी ज्यादा होता है, 3 एमएम से थिकनेस ज्यादा होती है न्यूकल ट्रांसलूसेंसी की, तो जो गर्भ में पल रहे बच्चे के डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इसलिए हम ये दोनों पैरामीटर्स को एक साथ पढ़ते हैं जिससे कि हमको एक्यूरेसी जो हमारे टेस्ट की है वो बढ़ जाती है। यानी डबल मार्कर और एनटीएनबी स्कैन दोनों को मिलाकर हम अपने रिपोर्टिंग करते हैं, यानी इसकी जो डुअल मार्कर की रिपोर्टिंग इन दोनों को मिलाकर की जाती है। तो फ्रेंड्स जो अगर हम इसके रिजल्ट्स को देखें डबल मार्कर के, तो उसमें 3 तरीके के रिजल्ट्स आते हैं, लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क एंड हाई रिस्क। लो रिस्क अगर आपका रिपोर्ट आता है, इसका मतलब कि जो बच्चा है उसको डाउन सिंड्रोम होने के या फिर क्रोमोसोम 13 या 18 के ट्राइसोमी होने के चांसेस बहुत कम है। फिर भी ये 100% टेस्ट तो नहीं है, लेकिन अगर ये नेगेटिव आता है और कोई आपके फैमिली में हाई रिस्क नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इंटरमीडिएट और हाई रिस्क के कैटेगरी में आपका रिजल्ट आता है, मतलब कि चांसेस है कि जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसे डाउन सिंड्रोम हो सकता है, इसलिए फिर हम महिलाओं की फर्दर टेस्टिंग कराते हैं। क्या टेस्टिंग करेंगे, यानी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पॉजिटिव आ गया तो अब क्या करें, कि हमें इस बच्चे को डायरेक्टली अबॉर्ट कर देना है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो एनटीएनबी टेस्ट है प्लस ये जो डबल मार्कर टेस्ट है, इसकी जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट ही है। अगर इसलिए पॉजिटिव आता है तो हम महिला की फर्दर टेस्टिंग कराते हैं, जैसे कि NIPT, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। इसमें हम महिला की ब्लड से बच्चे के डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। बच्चे के सेल ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जो यूट्रो प्लेसेंटल बेड होता है, जहां पे बच्चे की जो प्लेसेंटा है यूट्रस से लगी होती है, वहां पे थोड़ा बहुत ब्लड का एक्सचेंज माँ और बच्चे में होता रहता है। इसी दौरान बच्चे के सेल्स माँ के ब्लड में आ जाते हैं, जिसे हम माँ की ब्लड से एक्सट्रैक्ट करके उस सेल से बच्चे के क्रोमोसोम की बनावट को देखते हैं कि ये सही क्या बनावट है क्रोमोसोम की। और ये बहुत अच्छा टेस्ट है, कोई नॉन इन्वेजिव है, बच्चे को कोई खतरा नहीं होता है और इसकी एक्यूरेसी 99.9% के आसपास में है। तो अगर आपका ड्यूअल मार्कर या डबल मार्कर टेस्ट पॉजिटिव आया है तो आप या तो NIPT करा सकते हैं, और उससे भी ज्यादा कंफर्मेटरी टेस्ट है कोरियोनिक विलस सैंपलिंग और एमनियोसिंथेसिस, जहां पे हम एक सिरिंज के माध्यम से डायरेक्टली फीटस के पार्ट्स को, यानी बच्चे के कुछ सेल्स को निकालकर उनके क्रोमोसोम की टेस्टिंग कर लेते हैं। अगर इसमें आपका क्रोमोसोम एबनॉर्मल आता है डाउन एडवर्ड या पटाउन सिंड्रोम के लिए, तो यस गो फॉर अबॉर्शन। और अगर ये नॉर्मल आता है तो इसका मतलब कि जो बच्चा है वो इफेक्टिव नहीं है और नॉर्मल है। फ्रेंड्स डबल मार्कर टेस्ट कराना किन महिलाओं को है? आज के डेट पे हम हर प्रेग्नेंट महिला को डबल मार्कर टेस्ट एडवाइस करते हैं, लेकिन वो महिलाएं जिनके फैमिली में कोई क्रोमोसोमल या कॉन्जेनाइटल एनोमली की हिस्ट्री है, या उन्हीं का कोई पहला बच्चा इस प्रॉब्लम से ग्रसित है, या फिर महिलाओं की एज ज्यादा है 35 से ज्यादा है, तो डेफिनेटली उन्हें ड्यूअल मार्कर टेस्ट कराना चाहिए। बट आज के डेट में हम किसी भी बच्चे को, किसी भी अब नॉर्मल बच्चे को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसे में व्हाट वी डू इज हम हर प्रेग्नेंट महिला को डबल मार्कर या ड्यूअल मार्कर टेस्ट सजेस्ट करते हैं, जो कि एक अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है क्रोमोसोमल अनोमली बच्चे में आइडेंटिफाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने बात की ड्यूअल मार्कर टेस्ट के बारे में। होपफुली मैंने आपके क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।